पुलिस की हलचलों पर नजर रख बड़े हमले की तैयारी कर रहे एक हुक्का नक्सली को गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस दल को सफलता मिलने के साथ ही नक्सल आंदोलन को बड़ा झटका लगने की बात जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कही है। गिरफ्तार नक्सली या एटापल्ली तहसील के जारावंडी सोगांव जंगल क्षेत्र में रहकर पुलिस पर निगरानी रख रहा था, जिसकी गोपनीय जानकारी मिलते ही पुलिस जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम टेकामेटा निवासी चैनूराम उर्फ सुक्कू वट्टे कोसा उम्र 48 वर्ष है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुज तारे, अपर पुलिस अधीक्षक यतीज देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता उपस्थित थे। गिरफ्तार नक्सली जारावंडी और पेंड्री पुलिस पर नजर रखे हुए था। इसी बीच विशेष अभियान पथक ने नक्सल विरोधी अभियान चलाकर उसे जारावंडी सोगांव के कुरमावाड़ा फाटे के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर वह पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहने का पता चला, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते वह अनेक प्लान में नाकाम हो गया। विशेषतः गिरफ्तार नक्सली चैनूराम पर सरकार द्वारा 16 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।